अर्ज किया है, बदल दे अपनी किस्मत यदि तेरी किस्मत है तुझसे रूठी, बदल दे अपनी किस्मत यदि तेरी किस्मत है तुझसे रूठी। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके यस सर डिस्कस करेंगे अबाउट टीसीएस एनक्यूटी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यशो, स्वागत करता हूं आपका इंडिया के नंबर वन प्लेसमेंट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म नॉलेज गेट पर। दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम देने वाले हैं या दे चुके हैं, या आगे फ्यूचर में अप्लाई करने वाले हैं, राइट। अगर आप टीसीएस में जॉब पाना चाहते हैं, टीसीएस टाइड अप कंपनीज में जॉब पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपके पांच सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। डेफिनेटली आपके मन में ये सवाल चल रहे होंगे। सबसे पहला सवाल, सर के पेड एनक्यूटी से क्या टीसीएस खुद रिक्रूट करेगा? अगर करेगा तो निंजा प्रोफाइल के लिए करेगा या डिजिटल प्रोफाइल के लिए करेगा? सर क्या टीसीएस ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट भी करने वाली है? क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री, सर फ्री एनक्यूटी एंड पेड एनक्यूटी के क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? क्वेश्चन नंबर फोर, सर पेड एनक्यूटी का पर्पस क्या है? एंड क्वेश्चन नंबर फाइव, सर ये दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स क्यों है? फ्री एनक्यूटी क्या है, पेड एनक्यूटी क्या है? इन दोनों के बारे में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, पांचों क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। भाई सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो भी डेटा मैं यहां पर प्रोवाइड करूंगा इंटरनल ट्रस्टेड टीसीएस सोर्सेज से, वो हमने डेटा लिए हुए हैं, तो बिल्कुल ऑथेंटिक है, विद प्रूफ हम यहां पर बात करने वाले हैं। और जो भी मैं डेटा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं, अगस्त 2021 में ये वीडियो शूट कर रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग है। आगे कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, वो हम आपको अपडेट कर देंगे, उसकी चिंता नहीं है, राइट। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आप सामने यहां पर लैपटॉप स्क्रीन पर नोट्स भी बना रखे हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, एक भी पॉइंट मैं नहीं चाहता कि आपका मिस आउट हो। चलिए शुरू करते हैं भाई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस की बात करूं भाई, तो इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मल्टीनेशनल कंपनी है, 4,20,000 के आसपास लगभग एम्प्लॉयज, और इंडिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर करने वाली कंपनी है टीसीएस। देखिए कोविड टाइम में ना जॉब्स आईटी सेक्टर में लगातार बढ़ रही हैं, बिकॉज पूरा मार्केट ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, तो आईटी सेक्टर में एक अभी सबसे ज्यादा ग्रोथ पे है फिलहाल आईटी सेक्टर। तो क्योंकि जॉब्स बढ़ रही हैं, इसलिए टीसीएस ने एक सिंगल एनक्यूटी ना करके मल्टीपल एनक्यूटीज कर दिए। हर लगभग 3 से 4 महीने में हमारे पास एक टीसीएस एनक्यूटी हमको देखने को मिलता है। सेकेंडली भाई, कोविड के टाइम में लोग थोड़ा सा मेंटली परेशान है, घर से एग्जाम देते हैं तो अलग डिफिकल्टीज होती हैं, तो ऐसे में बच्चों को सिंगल अटेम्प्ट देना कहीं ना कहीं फेयर नहीं है, इसलिए टीसीएस ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए। जेईई मेंस के एग्जाम की भी बात करो, मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे दिए उन्होंने, गेट एग्जाम में भी, थर्ड ईयर का बच्चा अब गेट एग्जाम दे सकता है, तो उसके पास भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं, तो एब्सोल्युटली परफेक्ट है, बाकी लोग भी ऐसा कर रहे हैं भाई। तो अब ये फ्री एनक्यूटी क्या होता है, पेड एनक्यूटी क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ्री एनक्यूटी की मैं बात कर लेता हूं। देखिए भाई, फ्री एनक्यूटी साल में केवल एक बार होता है, अगस्त से लेकर के अक्टूबर के बीच में कभी ना कभी फ्री एनक्यूटी होता है। सर फ्री एनक्यूटी के लिए कौन एलिजिबल होता है? केवल एक बैच के स्टूडेंट फ्री एनक्यूटी के लिए एलिजिबल होते हैं। सर ये कैसे डिसाइड होगा? अगर अभी 2021 चल रही है तो 2021 में 2022 वाले फ्री एनक्यूटी के लिए एलिजिबल है, 2022 चलेगी तो 2023 वाले फ्री एनक्यूटी के लिए एलिजिबल है, तो एक साल आगे चलता है। तो अभी मैं 2021 में बात कर रहा हूं, तो अभी 2022 वालों के लिए फ्री एनक्यूटी एग्जाम होने वाला है, राइट। अब यार सर यहां पर अगर फ्री एनक्यूटी है तो फिर पेड एनक्यूटी का क्या मतलब है? देखिए जो फ्री एनक्यूटी है वो बेसिकली टीसीएस हायरिंग के लिए, फ्री एनक्यूटी से आप कभी भी टीसीएस टाइड अप कंपनीज में एंड टीसीएस आए जॉब लिस्टिंग पोर्टल, टीसीएस जॉब्स कार्निवल में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, केवल टीसीएस में निंजा एंड डिजिटल प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब सर टीसीएस फ्री एनक्यूटी क्या मेरे को देना कंपलसरी है? मैं पेड एनक्यूटी के लिए ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूं। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप एलिजिबल हैं फ्री एनक्यूटी देने के लिए तो बिल्कुल दीजिए, बिकॉज फ्री एनक्यूटी से मेगा हायरिंग विटनेस होती है, राइट। अब सर अगर फ्री एनक्यूटी हो रहा है तो फिर पेड एनक्यूटी क्यों है? भाई सिंपल सा रीजन है, आप फ्री एनक्यूटी दोगे आपके पास एक टीसीएस का स्कोर होगा, अगर आपको उस स्कोर से टीसीएस में जॉब मिलती है वेरी वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं अपनी। बट अगर आपकी इच्छा है कि सर मुझे टीसीएस में तो जॉब मिल गई, साथ में मुझे टाइड अप कंपनीज में भी अप्लाई करना है, तो फिर हम साथ में पेड एनक्यूटी भी भर देते हैं। अगर मैं टीसीएस में सिलेक्ट नहीं हुआ फ्री एनक्यूटी से तो सर क्या मेरा करियर खत्म है? नहीं, आप पेड एनक्यूटी दे सकते हो, वहां से आप टीसीएस का पार्ट बन सकते हो, राइट। अब मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो 2022 बच्चों के लिए अभी फिलहाल दो ऑप्शन है, फ्री एनक्यूटी जो कि उनको देना ही देना है, राइट, बिकॉज मेगा हायरिंग यहां से होगी, और पेड एनक्यूटी लगभग लगभग 20 से 25 हजार बच्चों को 2022 के बैच को भी फ्री एनक्यूटी से रिक्रूट करने वाली है। और उसके बाद एलिजिबिलिटी
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लूँ तो आपको स्क्रीन पर डिटेल्ड एलिजिबिलिटी दिख रहा होगा, 60% से ऊपर आपके 10th, 12th इन ग्रेजुएशन में होना चाहिए। सर अब ये फ्री एनक्यूटी की तो बात आपने कर ली, सर अब ये पेड एनक्यूटी क्या चीज है? सबसे पहली बात तो मार्केट में एक बिल्कुल फॉल्स र्यूमर अफवाह उड़ रही है कि सर पेड एनक्यूटी से टीसीएस हायर नहीं करेगा, केवल टीसीएस टाइड अप कंपनीज हायर करेंगी, बिल्कुल गलत है। राइट, देखिए टीसीएस में दो टाइप की हायरिंग होती है, वन इज कॉल्ड एज ओपन हायरिंग, अदर इज कॉल्ड एज इंटरनल हायरिंग। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझो। ओपन हायरिंग जो होती है दैट इज टीसीएस फ्री एनक्यूटी से ओपन हायरिंग होती है, मेगा हायरिंग होती है, इकट्ठे 20 से 25 हजार एम्प्लॉइज को रिक्रूट किया जाता है और एक पर्टिकुलर बैच को टारगेट किया जाता है, जैसे 2021 में 2022 बैच को टारगेट किया जा रहा है, 2022 में 2023 बैच को टारगेट किया जाता है, ये होती है ओपन हायरिंग। राइट, एक होती है इंटरनल हायरिंग। इंटरनल हायरिंग आपकी पेड एनक्यूटी के थ्रू होती है, अगर आपका टीसीएस का स्कोर अच्छा है। राइट, और अगर आपको आपको जैसे टीसीएस को डिमांड आती है, टीसीएस आपको इंटरनल सर्वे मेल्स भेजता है, क्या आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं क्या, आपको यहां पर स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा, प्रूफ दिख रहा होगा इंटरनल सर्वे मेल किस तरीके से आता है। तो 2017 से लेके 2023 बैच जो है वो पेड एनक्यूटी के लिए एलिजिबल है, तो बिल्कुल टीसीएस भी आपको हायर करेगी, टीसीएस टाइड अप कंपनीज भी आपको हायर करेंगी, जॉब्स कार्निवल भी आपके लिए है, टीसीएस एंड जॉब लिस्टिंग पोर्टल, निंजा डिजिटल सब है, बट आपको एक अच्छा टीसीएस स्कोर चाहिए। अब सर पेड एनक्यूटी से मेगा हायरिंग नहीं होगी, क्या देखिए क्या होता है, फ्री एनक्यूटी एक बार हो रहा है तो लगभग 20 से 25 हजार बच्चों को इकट्ठा हायर करती है टीसीएस, फ्री एनक्यूटी एक बार हो रहा है तो 20 से 25 हजार बच्चों को हायर करती है, जबकि पेड एनक्यूटी साल में 4 बार हो रहा है। राइट, अभी फिलहाल अगस्त में हो रहा है, नवंबर में हो रहा है, फरवरी में होता है, मई में होता है, साल में 4 बार होता है, चारों बार लगभग 5-5 हजार बच्चों को टीसीएस रिक्रूट करती है, तो ओवरऑल वहां से भी 20 हजार बच्चों को रिक्रूट कर लेती है। बस डिफरेंस ये आ जाता है कि ये जो 25 हजार बच्चे फ्री एनक्यूटी से रिक्रूट करेगी वो पूरे के पूरे प्योरली 2022 पास आउट होने वाले हैं, और वहीं जो फ्री एनक्यूटी से पेड एनक्यूटी से जो रिक्रूट करेगी 20 हजार बच्चों को, वो सारे बैचेस को मिला करके होंगे 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एज पर द रिक्वायरमेंट। राइट, तो आप समझ रहे हो, तो बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल करके आ रही है। तो हायरिंग बेसिकली मेगा या मिनी नहीं होती, बस हायरिंग अमंगस्ट द बैच डिवाइड हो जाती है, तो चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, बट अगेन अगर आपका स्कोर अच्छा, अगर आप टीसीएस टॉपर हैं, तो आपको बिल्कुल कॉल आएगा टीसीएस से एनक्यूटी एंड निंजा एंड डिजिटल दोनों प्रोफाइल के लिए। राइट, अगेन टीसीएस जॉब्स कार्निवल हर क्वार्टर्स में होते रहते हैं, फ्रीक्वेंट बेसिस पर होते रहते हैं, जहां पर टीसीएस टाइड अप कंपनीज आपको हायर कर रही होती है, 2.5 लाख से लेके 6 टू 7 लाख तक वहां पर आपको पैकेज मिलता है एज पर नाउ। आगे और बड़ी बड़ी कंपनीज भी टाई अप कर रही हैं टीसीएस से, एंड अगेन मैं बात करूं तो टीसीएस में लगभग ऑल बैचेस के अक्रॉस अगर मैं बात करूं तो फ्री एनक्यूटी से 20 से 25 हजार बच्चे रिक्रूट होते हैं, पेड एनक्यूटी से अगर मैं बात करूं तो लगभग अगेन 20 हजार समथिंग बच्चे, 5-5 हजार से 4 बार में 5-5 हजार लगभग 20 हजार बच्चे रिक्रूट होते हैं। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो 40 से 45 हजार बच्चे हर साल टीसीएस में रिक्रूट होते हैं, और टीसीएस पेड एनक्यूटी से ही टीसीएस टाइड अप कंपनीज में लगभग 15 हजार के आसपास बच्चे रिक्रूट होते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो लगभग 55 हजार के आसपास बच्चों की हायरिंग होती है टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं पेड एनक्यूटी की, तो भाई पेड एनक्यूटी देने के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, 60% से कम है तो भी आप पेड एनक्यूटी दे सकते हो, लेकिन अगर आपके 60% से कम है तो आप टीसीएस टाइड अप कंपनीज, टीसीएस जॉब्स कार्निवल और जो टीसीएस आयोन जॉब लिस्टिंग पोर्टल में जितनी भी जॉब्स हैं उन सबको दे सकते हो, लेकिन टीसीएस में आप जॉब नहीं ले सकते हो। तो अगर आपको टीसीएस में पर्टिकुलरली जॉब चाहिए तो 60% से ऊपर चाहिए, टीसीएस टाइड अप कंपनीज में 60% से नीचे में भी काम चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको कंप्लीट बढ़िया से डिटेल मिली होगी पेड एनक्यूटी, फ्री एनक्यूटी। ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं तो 2017 से लेके 2023 बैच की मैं बात करूं तो 2022 को छोड़ दूं तो बाकी सबके पास एक ही ऑप्शन है, पेड एनक्यूटी, उसको दो बढ़िया से फोड़ो, आपको जॉब मिलेगी टीसीएस में भी एंड टाइड अप कंपनीज में भी। 2022 बैच की मैं बात करूं तो भाई आई वुड से आपके पास दोनों ऑप्शन है, फ्री एंड पेड। फ्री एनक्यूटी तो मिस करना ही नहीं है, मेगा हायरिंग का अगर पार्ट बनना है, और पेड एनक्यूटी भी आप दे सकते हो अगर आपको टीसीएस टाइड अप कंपनीज में भी पार्ट लेना है, या अगर आपका फ्री एनक्यूटी का पेपर बिगड़ता है तो आपको और अटेम्प्ट्स अपने लिए क्रिएट करना है तो आप पेड एनक्यूटी भी दे सकते हो। तो भाई मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा, कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ऑल इन ऑल व्हाट मैटर्स इज यू नीड टू हैव अ गुड टीसीएस स्कोर,
किस एनक्यूटी से आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा टीसीएस स्कोर आपका होगा तो भाई सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो बढ़िया लेवल पे तैयारी करना है, हल्के में नहीं लेना है। आप चाहो तो हमारी वेबसाइट www.knowledgegate.in पर विजिट कर सकते हैं और वहां पर टीसीएस के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज एंड अदर कंपनीज के लिए भी एंड जनरल प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्सेज भी मिलेंगे। चेकआउट कीजिए, टीसीएस के कोर्स में 20 घंटे का ट्रायल कंटेंट है एंड सभी कोर्सेज में कुछ ना कुछ ट्रायल कंटेंट है, जाकर चेकआउट करें। अगर पसंद आता है ट्रायल कंटेंट तो आप कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। और भाई मुस्कुराते हुए जल्दी से वो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर करो और कमेंट करके बताओ भाई वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। और दोस्तों में शेयर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो भी बेचारे परेशान हो रहे हैं इन क्वेश्चन को लेकर के। तो प्लीज उनकी परेशानी में उनका साथ दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं एंड फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू। एंड बस इन द एंड एक ही बात बोलूंगा, जब तक तू फोड़ेगा नहीं, यस सर, तेरे को छोड़ेगा नहीं। बाय बाय, टेक केयर।